मदन महल थाना अंतर्गत पुलिस ने उत्तर प्रदेश से दुष्कर्म और अपहरण के आरोपी जीजा को दबोच लिया है। आरोपी ने अपने प्रेम जाल में फंसकर पहले तो नाबालिग साली का अपहरण किया और फिर उसकी मांग भरकर शादी रचा ली। इधर परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज करते हुए मोबाइल लोकेशन के आधार पर पीड़िता को यूपी से दस्तियाब कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए सीएसपी प्रभास शुक्ला ने बताया कि मदन महल अकबर के बारे में एक किशोरी बिना बताए घर से गायब हो गई थी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जब खोजबीन शुरू की तो पता चला कि किशोरी का उसके बहन के देवर ने अपहरण कर लिया है। इसके बाद आरोपी ने नाबालिग साली को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध भी बनाए। पुलिस ने पता साझी की तो जानकारी लगी कि नाबालिग को लेकर जीजा मथुरा में है। इसके बाद पुलिस की टीम ने मथुरा जाकर आरोपी राहुल चौधरी को दबोच लिया और नाबालिग को दस्तियाब कर लिया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मदनमहल थाने में गंगा सागर अकबर के बाड़े के पास एक लड़की रहती थी और वो अपने घर से बिना बताए कहीं चली गई। उस पर हम लोगों ने 363 कायम किया था, उसकी तलाश कर रहे थे। तलाश के दौरान ये पता लगा कि उनके बहन का देवर वो बीच में आया हुआ था और इनके बीच में कुछ बातचीत की भी हम लोगों को जानकारी मिली। फिर उसमें हम लोगों ने आगे डेवलपमेंट किया और आगे फिर मथुरा टीम भेजा, तो मथुरा से फिर उसको बरामद किया। फिर उसमें महिला फैसला के उसके साथ अवैध संबंध बना लिया था और उसको शादी करने का झांसा दे रहा था, तो उस पर हमने उसको अरेस्ट करके उसको भेज दिया है। मामले की विवेचना जारी है। क्या नाम है, क्या करता है? राहुल चौधरी है और कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के मरम्मत का काम करता है। ये उसने बताया कि कैसे संपर्क हुआ था इनका? रिश्तेदारी में आया था, मिला जुला था, उसी दौरान फिर उनमें आपस में संपर्क हो गया था